आज कहानी लेह शहर की, उस लेह शहर की जो पिछली कुछ रातों से सो नहीं पाया है, क्योंकि उसके इसी आसमान में रात भर फाइटर प्लेन्स गड़गड़ाते रहते हैं। लेह शहर में हवा में उड़ते इन फाइटर जेट की आवाज के बीच यहाँ के लोग तीन रातों से अपनी नींद पूरी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो सरहद अब तक बिना हदबंदी वाली थी, वहां 3-4 दिन पहले पहली बार तारबंदी हुई है। इतिहास में पहली बार भारतीय सेना ने रिजांगला से हेलमेट टॉप तक करीब 30 किलोमीटर के इलाके में तारबंदी की है। लद्दाख के एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो हमने देखा कि सिविलियन फ्लाइट्स खाली हैं, जबकि एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान लगातार सैनिकों और सामान को लेकर आ रहे हैं। 3 दिन पहले जब भारत चीन सीमा पर चुशूल इलाके में गोली चली तो उसका असर 200 किलोमीटर दूर लेह शहर तक साफ महसूस होने लगा। लेह के बस स्टैंड पर पिछले 6 महीनों से टूरिस्ट के बिना खाली बैठे टैक्सी और लोकल बस वालों के भीतर भी एक डर है कि कहीं करगिल और 1962 वाले हालात दोबारा ना लौट आए। लेह में हमारी उन लोगों से बात हुई जिनके रिश्तेदार भारत और चीन सीमा के बेहद नज़दीक बसे गांवों में रहते हैं। उन गांवों में मोबाइल फोन्स 29 और 30 अगस्त की रात तभी बंद कर दिए गए थे जब भारत और चीन की सीमा के बीच झड़प हुई थी। लेह में रह रहे सेना से रिटायर्ड एक शख्स ने बताया कि उनके परिवार से 6 लोग वर्तमान में चुशूल में पोस्टेड हैं। वहाँ फोन नहीं लग रहा है तो लोगों से बात नहीं हो पा रही है। कम से कम वहाँ पर हमारे घर रिलेटिव 5-6 लोग हैं वहाँ पर। वहाँ पे है जी हाँ। तो उन लोगों से आपकी बात हुआ? बात नहीं हो पाया, पहले एक बार हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि फोन ही नहीं चल रहा है वहाँ तो। हाँ 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 हाँ। बात करने का बहुत कोशिश किया। आप कहते ये अभी देखिए सभी चाहते हैं कि ये लड़ाई नहीं होना चाहिए। लड़ाई हुआ तो बहुत, इस बार तो बहुत ही खराब, वो लड़ाई नहीं रहेगा जो 62 वाले हुआ। ऐसे ऐसे लड़ाई नहीं है, आप तो इसलिए जो ना हम सब के लिए यही भलाई है कि लड़ाई ना हो, सभी यही हो जाते हैं। लेह में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उनका बेटा फिलहाल छोंगताश में पोस्टेड है। 10 दिन पहले बेटे से बात हुई थी, तब बेटे ने कहा था कि यहाँ सब ठीक है, मेरी चिंता मत करना। मेरा बेटा है तुंडुब नामग्याल, वो फौज में लद्दाख स्क्वाड में। अच्छा। इस वक्त वो उधर छोंगताश एरिया में है। बात कोई 10 दिन पहले हुआ था। फिर क्या बोल रहा था वो? उस वक्त हम बोलता हम ठीक है, हमारे लिए फिक्र मत करो, हम यहाँ ठीक है बोल रहा था। उस वक्त कुछ हफ्ता हो गया कोई उधर उनके साथ कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा। मोबाइल नहीं चल रहा है, नहीं तो पहले बात होते थे। अच्छा, अच्छा। अभी वहाँ बंद किया है, कोई बातचीत नहीं हो रही, बेटे से बात नहीं हो रहा है। हमारा बीवी बाकी लोग बोल रहे हैं तो अभी तो वहाँ वो बिल्कुल वो नहीं चल रहा है, फोन वगैरह बंद कर दिया है। तो अभी परेशान हूँ हम भी, वो वहाँ क्या हो रहा है आपको पता है, वहाँ बॉर्डर में इस वक्त ट्रेंड्स है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन दिनों चीन बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी का एहसास कुछ ज्यादा ही करवा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से उस पार से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। चीन अपने इलाकों में फायरिंग एक्सरसाइज कर रहा है और इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। चुशूल, पैंगोंग और भारत चीन सीमा के बसे बाकी गांवों में तनाव है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन गांवों में जो लोग रहते हैं उनके पास ये अफवाहें पहुँच रही हैं कि सेना उन्हें किसी भी वक्त गाँव खाली करने को कह सकती है। हालांकि लोग, स्थानीय नेता और जो बुजुर्ग हैं गांव के, वो लोगों को ये दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी वो हालात नहीं आए हैं कि उन्हें गांव खाली करना पड़े। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।